सडनली कुछ सिर जो है मेरी तरफ मुड़े और बोले को कुछ गलत बोल दिया लगता है बिहार का जितना गंदा है, क्यों है गूगल पे अच्छा बिहार से हो अच्छा तुम्हारे यहाँ तो बड़ा क्राइम है तो बिहार हमेशा एक ही तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है या तो नेगेटिव या तो जो चीज़ें मतलब फॉर एग्जाम्पल क्राइम गंदगी यही सारी चीज़ तो मुझे बुरा लग गया भाई कि बिहार बिहार में यूज़ होता है वर्ड डू मीन बाय दैट उनका ये कहना है कि भैया पहले तो बहुत गंदा सोच था लेकिन आपका वीडियो देखें मतलब नॉट ओनली माइंड हमारे टीम का वीडियो देखें तो उनका कहना था कि भैया आऊँगा ज़रूर और घूमूंगा ज़रूर बिहार छोटे जगह से कहते हैं ना कहते हैं कि छोटे जगह से लोग बढ़ नहीं पाते हैं ऑल दैट स्टफ वो बेवकूफ़ी है टिपिकल बिहारी फैमिली की तरह मेरी भी फैमिली थी हम लोग ऐसे जगह से है ना जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी बहुत है कि पापा साल में एक कपड़ा भी मुश्किल से लेते थे लेकिन पापा ने फाइडबैक किया था, वो भी नहीं था। नमस्कार, मैं और आप देख रहे हैं फुल वॉल्यूम हमारे खास सेगमेंट संडे वाइफ में आपका स्वागत है बिहार की सच्चाई और बिहारियों की अच्छाई दिखाने वाले फोटोग्राफर जिनकी तस्वीरों के माध्यम से आप बिहार की सच्चाई देखते हैं वो आज हमारे साथ मौजूद है आशीष कौशिक जिनका नाम है आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके इस प्रोजेक्ट के पीछे इनका क्या आइडिया है और उन्होंने शुरुआत कैसे की इस सफ़र का शुरुआत कैसे हुआ तो आइए बात करते हैं उनसे नमस्कार आशीष स्वागत है आपका थैंक यू सो मच और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि वाई आई स्टार्टड दिस थिंग लोग अक्सर पूछते हैं इवन आने के पहले आपने यही पूछा था और साफ शब्दों में अगर कोई भी बिहार से बाहर गया है और जो भी लोग इंटरनेट की दुनिया में बिहार को देखता है या फिर फिल्मों में देखता है तो बिहार हमेशा एक ही तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है या तो नेगेटिव या तो जो चीज़ें मतलब फॉर एग्जांपल क्राइम गंदगी यही सारी चीज़ ऑफ कोर्स कॉमन टर्मिनोलॉजी है लोगों की है आ, मैं 2015 में मैं बिहार से बाहर गया था गुड़गांव में मैं भैया के पास था अपने और भैया जॉब में आ, अपने ऑफिस चले जाते थे और मैं उसके बाद चूँकि मैं तैयारी कर रहा था किसी चीज़ की तो मैं जाता था बाहर खाने के शॉप पे बैठने तो वहाँ पे लोगों का पहला सवाल था कहाँ से हो बाबू तो मैंने बोला बिहार से कहाँ से हो तक ठीक बिहार से जैसे ही बोला तो बातें किससे खुलने लगे और वो बातें कुछ अलग लेवल की होती थी अच्छा बिहार से हो अच्छा तुम्हारे यहाँ तो बड़ा क्राइम है तुम्हारे यहाँ तो यार बहुत सुनते हैं कि लोग को रोड पर ही मार देता है तो मैं बोला कि मेरा सिंपल आंसर होता था तो फिर मैं कैसे जिंदा हूँ अगर लोग को रोड पर मार देता है तो मैं कैसे जिंदा हूँ एक साल बाद मेरा कॉलेज शुरू हुआ कॉलेज शुरू होने के बाद डे uh, फर्स्ट की बात है ओरिएंटेशन प्रोग्राम था तो सबको इससे पूछा जा रहा था कौन कहाँ से है सबको बोल रहा था तो मैं भी बोला माय नेम इज आशीष कौशिक और आई एम फ्रॉम पटना बिहार सडनली कुछ सिर जो है मेरी तरफ मुड़े और बोले को कुछ गलत बोल दिया लगता है <laughs> तो लोगों का था कि ठीक है उस समय कुछ वैसा फील नहीं हुआ क्लास में गया क्लासरूम में जाने के बाद uh, सब कुछ सही चल रहा था और मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में जैसे आपने बोला कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ तो मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में था उस बहुत बहुत ज़्यादा डे फर्स्ट था फोटोग्राफी क्लास का और मेरी टीचर से किसी ने सवाल किया कि मैम वो रील वाले कैमराज जो हम लोग बचपन में यूज़ किया करते थे कोडेक या सोनिका का उसे आ, क्या कहते हैं तो मैम ने बोला कि लेट इट बी ना वो बहुत ओल्ड स्कूल चीज़ है आ, कोई बिहार विहार में यूज़ होता होगा आपको यूज़ नहीं करता इधर तो मुझे बुरा लग गया भाई कि बिहार विहार में यूज़ होता है वर्ड यू मीन बाय दैट तो मैंने सवाल पूछ दिया और मैंने बोला भी था कि मैम लेट्स हैव अ कंपटीशन जो जीत जाएगा फिर देख लेंगे कौन बेटर है तो मुझे लगा कि है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है मतलब एक लोकल लोग ये बोले कुछ आदमी बोले समझ में आता है लेकिन इस लेवल तक अगर लोगों के दिमाग में है तो बहुत बुरी बात है कुछ तो है प्रॉब्लम तो मैं पढ़ता था बिहार के बारे में जितना बेटर हो सकता था पढ़ता था देखता था कि क्या चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं पढ़ने के बाद पता चला चीज़ें तो बहुत हैं लेकिन कभी सामने लाए नहीं गया तो फिर वही बात है कि हम बोलते बोल के निकल जाते हैं पढ़ने के बाद क्या होता है ज्ञान देता दो तीन लाइन बोलता और निकल जाता फील हुआ कि नहीं बोलने की बजाय इस बार करके दिखाना है तो आशीष आपका जो ये था कुछ करके दिखाना है जो आपने फोटो के थ्रू या वीडियो के थ्रू लोगों को बिहार की पॉजिटिव चीज़ें दिखाना शुरू की उसका शुरुआत कब हुआ 2017 हम रेकी पे निकले थे मेरे पास कैमरा था लेकिन शरीर में कैमरा से ज़्यादा डर था ऑनेस्टली क्योंकि लोगों का जो बात था मैं इंटीरियर्स ऑफ बिहार में निकलने लगा स्कूटी से घूमने लगा जगह जगह रोहतास के पहाड़ियों में घुसता था कभी कैमूर भागता था कभी अलग अलग जगहों पे जाता था तो कैमरा होते के

2017 में जब गया उसको डॉक्यूमेंट किया उसको फेसबुक पे डाला तो लोग वर, वर लाइक वाओ ये चीज़ मुझे नहीं पता था कि बिहार में एक ऐसा गाँव है जहाँ पे फिफ्टी फाइव हाउस होल्ड्स एटी फैमिलीज सॉरी फिफ्टी फाइव हाउस एंड एट्टी फैमिलीज़ मिल के सिल्क वीव, वीविंग में काम कर रहे हैं तो जब लोगों ने देखा काफ़ी अप्रिशिएट किया कई जगह पे वो पोस्ट भी हुआ तो मुझे लगा कि वाओ ये चीज़ें हैं जो लोग मिस कर रहे हैं और इन्हें दिखाना ज़रूरी है स्केलअप हुआ वहाँ से 2018 में फिर से एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ बिहार अनएक्सप्लोर्ड मेरे फ्रेंड के साथ ऋषि के साथ उसके बाद तो जो लोगों ने देखा समझा तब समझ में आया कि बिहार इज एक्चुअली अनएक्सप्लोर्ड जब आपने ये शुरू किया कि फोटो के थ्रू या अलग अलग जगह पे जाना नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना तो आपकी फैमिली में सब लोगों ने आपको सपोर्ट किया या उनके मन में डर था कि मत जाओ ऐसा कुछ टिपिकल बिहारी फैमिली की तरह मेरी भी फैमिली थी हर किसी का होता है कि हम लोग ऐसे जगह से हैं ना जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी बहुत है ऐसा सोचते हैं लोग ऐसा है नहीं अपॉर्चुनिटी एक शब्द वो है जिसे क्रिएट किया जाता है तो मेरे भी फैमिली की बात थी कि क्यों जा रहे हो और साफ शब्दों में अगर एक बात बोली जाए कि क्या जरूरत ही है यार चुपचाप जॉब लो और सेटल हो जाओ मैंने बोला कि नहीं पापा जॉब वॉब नहीं लेना है और मुझे लगता है कि मुझे लाइफ में कुछ अलग करना है और यही मेरा है जो मुझे लगता है मुझे करना है तो शुरुआत के दिनों में पापा का सपोर्ट उतना नहीं था लेकिन मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब मेरे बारे में एक मीडिया ने इंटरव्यू लिया था और उसका आने वाला था आर्टिकल तो मुझे याद है तीन दिन पिताजी बार बार रोड के बाहर जाते थे मम्मी बता रही थी मैं चूंकि था नहीं उस समय पटना में कि पेपर वाला जब आया तो वो बोलते थे कि सब पेपर आज ले देना क्योंकि उन्हें नहीं पता था किस में आना है मैं बोला भी नहीं था कि हाँ पापा फलाने पेपर में आना है तो वो जब मैं सुना तो मुझे लगा कि नहीं धीरे धीरे पेर, पेरेंट्स के दिमाग में चेंज आ रहा है और आज के डेट में तो वो कुछ नहीं बोलते हैं आज बोलते हैं तुम्हें जो करना है तुम करो और जो कर करो बेस्ट है तो आप प्रॉपर पटना के ही हैं या कहीं आसपास के नहीं पटना जिला में ही मेरा घर पड़ता है पालीगंज के बगल में एक छोटा सा गाँव है मसौढ़ा परगना था एक समय का तो हम वहीं से हैं हम पटना में ही मेरा ज़िला है मेरा अपना घर जो अब है करीबन पटना में इक्कीस साल रेंट पे रहा उसके बाद अब अपना घर है दानापुर में तो अब प्रॉपर पटना कहीं कहाँ जाऊँगा तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई शुरुआती में क्लास वन से टेन मैंने लॉयला ये मे मेफ्लॉर में किया मे मेफ्लॉर एक छोटा सा स्कूल है जिसको हम लोग हमेशा बोलते हैं डॉन बॉस्को के बगल वाला और <laughs> उसके बाद एलेवेंथ ट्वेल्थ मैंने लॉयला से किया था दो मैं वहाँ से पास नहीं कर पाया था ऑफ कोर्स अगेन द टिपिकल फैमिली थिंकिंग कि साइंस कर लो तो लाइफ सेटल है मुझे नहीं करना था मैं फेल हो गया फिर आगे कॉमर्स में मैं बिहार बोर्ड से ऐसा नहीं था कि पास होना था मुझे सच में था कॉमर्स में इंटरेस्ट फिर वहाँ से क्लियर आउट हुआ देन आफ्टर कन्फ्यूज किड की तरह कि भाई पहले तो निफ़्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा था नहीं हुआ फिर कन्फ्यूजन कि क्या करूँ तो बहुत सारी चीज़ों में होटल मैनेजमेंट में फिर आईएचएम का इंटरव्यू uh, मैंने दिया था फिर सॉरी एग्ज़ाम मैंने दिया था फिर ओबेरॉय के लिए दिया था सब छोड़ दिया फिर कन्फ्यूज़ किड की तरह करूँ क्या? क्या क्योंकि निफ्ट नहीं निकलता है तो इंसान ब्लैंक हो जाता है तब मैं फाइनली जाके मीडिया के एक इंस्टीट्यूशन है एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न वहीं गया जिसको लोग एफ्ट के नाम से बहुत फेमस जानते हैं वहीं पे अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया अभी फिलहाल तो आपने ग्रेजुएशन तो कर लिया और इसके बाद मास्टर्स का क्या प्लान है मास्टर्स भी करना है आगे पीएचडी भी करना है बट अभी मुझे काम करना है और मुझे लगता है कि मास्टर्स ऐसी चीज़ है जो लोग बहुत लोग इतमान से भी करते हैं कई लोग तो कई साल के जॉब के बाद भी करते हैं मेरा टारगेट है Uh, जिस चीज़ का टारगेट है उसके लिए पैसे बहुत चाहिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी तैयारी करके मैं स्कॉलरशिप गेन करूँ और आने वाले तीन सालों में मेरा टारगेट है कि मैं आउट ऑफ इंडिया कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो स्पेसिफिकली मेरे जोनरा को लेकर पढ़ाई कराती हैं तो वहाँ मैं जाऊंगा और वहाँ से मास्टर्स करूंगा जी आपने जो अभी बताया था कुछ देर पहले द अनएक्सप्लोर्ड आपका जो प्रोजेक्ट है सॉरी द अनडिस्कवर्ड तो उसका जो आइडिया था वो कैसे आया अगेन वही चीज स्टोरीटिपिकल माइंडसेट जो लोगों था उसको लोगों का था उसको ब्रेक करना था ब्रेक करने के लिए जाए सी बात है हम मीडिया और इंटरनेट और यही वाले जनरेशन है हमें जो दिखता है हम उसको मानते हैं जो नहीं दिखता हम नहीं मानते हैं हमें कहेगा को कोई भूत हम बोलेंगे कि ठीक है पहले दिखाओ तो मानेंगे तो वही वाली बात थी तो दो हज़ार का ही एक बात मैं बताता हूँ सॉरी सत्रह नवम्बर दो सत्रह की बात है एक दोस्त निफ्ट में पढ़ती थी दली में उसका कॉल आया कि यार बिहार का मैं इतना गंदा क्यों है गूगल पे आई लाइक वॉट डू मीन तो बोला गूगल करके देखो गूगल किया आई वेंट टू इमेज सेक्शन इमेज सेक्शन में जाने के बाद मुझे जो दिखा वो वो थोड़ा सा अजीब था गंदगी 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 इट मीनस की चोरी वो स्कूल वाला जो पर्ची डाला जाता है बाढ़ मारपीट दंगा दारू गरीबी यही सारा चीज़ यूपी टाइप करो पे उत्तर प्रदेश ये बनारस लखनऊ ताजमहल बनार वृंदावन ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि ऑलमोस्ट सेम ही स्टेट माना जाता है लोगों को लेकिन इतना बड़ा गैप कैसे राजस्थान देखो तो वाव है मुझे लगा कि इंटरनेट जनरेशन में ये चीज़ अगर कोई देखता है तो जैसी बात है बिहार ऑलरेडी एक गंदगी है लोगों के दिमाग में विच इज़ अ केक एंड चेरी की तरह काम करता है वो गंदगी तो चेरी एंड ऑ केक हो गया वो तो मुझे लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा देन आई लॉन्च दिस प्रोजेक्ट उस समय नाम था बिहार अनएक्सप्लोर्ड लोगों ने देखा बहुत सारा इंडिया में नहीं ओवरसीज मुझे याद है पाकिस्तानी एक लड़का है हालांकि यह शब्द कंट्रोवर्शियल है लेकिन एक लड़का था पाकिस्तानी था वो अमेरिका में रहता था उसके एनसेस्टर्स बिलोंग करते थे रोहतास से मुझे लगा कि रोहतास पाकिस्तान वाले की बात कर रहा होगा क्योंकि पाकिस्तान में भी एक रोहतास है तो मुझे लगा उन्होंने बोला नहीं मैं रोहतास बिहार की बात कर रहा हूँ मई ग्रैंड मदर इज स्टिल अ और वो वहीं पर पैदा हुई थी जब मैंने फ़ोटोज़ दिखाए रोहतास के शीफेल इन टू टीयर्स तो मुझे लगा कि अगर उस इंसान के लिए भी ये चीज़ मैटर करता है और कुछ गिने चुने बीस पचास लोगों के लिए भी मैटर करता है तो मेरा जो मोटो था वो सक्सेसफुल हुआ 2018 में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मैं कंटिन्यू किया 2019 में 20 में चूंकि कोविड रहा फिर भी 20 मेरा मेजर रोल प्ले था आफ्टर जून क्योंकि जून के बाद मैंने मॉनसून में उन इंटीरियर एरियाज को एक्सप्लोर किया बिहार के जो अनटचड थे तो आपने अभी तक लगभग कितने एरियाज को अभी एक्सप्लोर कर चुके हैं आप बिहार के परसेंटेज वाइज बोला जाए क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पूरा बिहार के हूँ फोर्टी परसेंट बिहार अभी एक्सप्लोर किया है कुछ, कुछ मेजर एरियाज मेजर एरियाज में रोहतास कैमूर गया वाल्मीकि नगर जो चंपारण इलाका है पटना को तो कम्प्लीटली बहुत कुछ कर रखा हूँ तो मेजोरिटी है नॉट ओनली टू एक्सप्लोर वन प्लेस ऑल्सो टू ब्रिंग आउट फुटफॉल ऑल्सो टू ब्रिंग आउट अटेंशन ऑफ पीपल 2020 न्यू ईयर की बात है मुझे विश्वास नहीं होता लोग कॉल करके फोटोज भेज के दिखा रहे थे कि तुतला भवानी एक वाटरफॉल है जिस जिसपे बहुत लोगों ने काम किया मोर देन टू लैक पीपल केम ओवर दैट प्लेस तो नॉट ओनली कि हमें दिखाना है हमें लोगों को बताना है और एक्चुअली वहाँ पे लाना है और एक ये बहुत बड़ा प्रूफ भी है कि बिहार आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन होने वाला है आप जो अपने फोटोज शूट करते हैं मैक्सिमम ड्रोन पिक्चर्स दिखती हैं इसकी कोई खास वजह शुरुआत मैंने की थी एरियल फोटोग्राफी से ही ज़्यादातर और एक यू कहते हैं लोगों की और मुझे पसंद है मुझे ड्रोन से मुझे वो चीज़ें देखना पसंद है जो आउट ऑफ द आउट ऑफ थिंकिंग कह सकते हैं मतलब एक सामने से तो हम देख रहे हैं तो एक होता है ना कि ऊपर से कैसा दिखेगा या फिर बगल से कैसा दिखेगा या फिर उस एंगल से देखना है जो हमने नहीं देखा तो ड्रोन मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग चीज़ था मैंने मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊँगा इसी बात पर कि मैं ड्रोन ख़रीदने के लिए मेरे पास फुल पैसे नहीं थे ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव आता है तो मैं मेरे भैया बहुत सपोर्टिंग थे शुरू से ही तो मेरे पास कुछ पैसे थे और बाकी पैसे मुझे चाहिए थे तो मेरे पास नहीं थे मैंने भैया को बोला भैया आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकता हूँ मैं पैसे आपसे नहीं लूँगा मैं उसको बस पे कर दूँगा और ई मैं खुद दे दूँगा तो दो मई में मैं, मैंने ड्रोन लिया था आज दो होने वाला है मैं तीन साल के ई एम पर ड्रोन लिया था थर्टी मंथ्स और मई 2021 में वो कंप्लीट होगा तो मुझे इस वजह से भी मुझे ड्रोन से ज़्यादा मेरे लगाव है क्योंकि मैंने एक्चुअली दिल्ली के कोने कोने में उसे ढूंढा था खरीदने के लिए और एक एक पैसा कहते हैं ना कि एक एक चिल्लड़ जमा करना मैंने वो किया था उस ड्रोन के लिए तो इसी रीजन से आ, मेरा ड्रोन से लगाव ज़्यादा है और मैं ज्यादातर फोटोज इसी से लेता हूँ बट हाँ जो मेरा कमर्शियल एस्पेक्ट है वो ड्रोन कम है वो कैमरा ज़्यादा है आप कौन सा कैमरा भी यूज़ करते हैं करेंटली मेरे पास निकॉन का Z6 है और उसमें बंच ऑफ लेंसेज है उसके पहले निकॉन का ही डी सेवन फिफ्टी था उसके पहले निकॉन का ही डी फिफ्टी टू हंड्रेड था तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई निकॉन स्पॉन्सर करता है बट हाँ लेंसेज शुरू से निकॉन के थे तो कैमरा उसी का स्विच करता था तो वही बात है ये जो फोटोग्राफी आप करते हैं जैसे बिहार के अच्छे चीजों को आप दिखाते हैं अनएक्सप्लोर्ड चीज़ों को इसके अलावा आप क्या करते हैं मेरा बेसिकली कमर्शियल आस्पेक्ट ज्यादा है मैं कमर्शियल भी काम करता हूँ जो ज्यादातर नहीं दिखता है लोगों को क्योंकि मुझे लगता है कि वो चल रहा है तो वो एक अलग पार्ट है लाइफ का एंड आई एम गुड डूइंग गुड इन दैट तो मेरा मेजोरिटी काम या तो इधर टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ काम का करना या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करना या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या फिर आ, अपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपपोरेट जिसको साफ साक्षातों में कहता हूँ उनके लिए काम करना होटल चेंज के लिए काम करना तो मेरा यही सारा काम है सबके लिए अभी मैं रिसेंटली एक इवेंट हुआ था पटना में जिसका एक वीडियो काफ़ी अच्छा लोगों ने पसंद किया शीशो तो इवेंट्स तो अभी फिलहाल उतना ज्यादा नहीं हो रहा है बिकॉज़ ऑफ कोविड उतना ज्यादा इवेंट नहीं हो रहा है लेकिन जब तक इवेंट था मैं इवेंट्स में आफ्टर मूवी को लेके बहुत ज्यादा काम करता था मेरा वही मेन मेन कहा जाता है जैसे कि ब्रेड एंड बटर कहाँ से कमाते हो तो मेरा वही था आप जो अभी ये बिहार को एक्सप्लोर करने का काम कर रहे हैं तो आपका नेक्स्ट कहाँ है प्रोजेक्ट की कहाँ को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं बिहार में कौन सी वो जगह है अभी हमारा अब हमारा टीम थोड़ा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे हमारा दोस्त रजत जिसकी वॉइस आप सुनते हैं वीडियोस में रजत मैं और आकाश आकाश दो मेरा जूनियर था कॉलेज में लेकिन मेरे भाई जैसा है वो भागलपुर से है तो अभी नेक्स्ट हमारा भागलपुर है माइट बी ये वीडियो अगर उसके पहले आए तो वेल एंड गुड नहीं अगर उसके बाद आए तब तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारा भागलपुर है और वो जो है होली के बाद आने वाला है जस्ट बात रिसर्च वर्क रेडी है अब काम आना बाकी है यानी टीम में आप तीन मेंबर्स हैं या और भी लोग हैं? और भी लोग 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 हैं 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 और और टीम में अभी फिलहाल तो हम आकाश रजत ऋषि इतने धीरे धीरे लोग जुड़ते रहते हैं मतलब कोर यही है तो आप जो उन लोग को जो अभी ऐसे यंगस्टर्स हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं मे बी वहाँ जन्मे हो और उनके पेरेंट्स बिहार के हो उनकी सोच ये जो होती है बिहार को लेकर उनके बारे में आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे बहुत लोग से ऐसे मिला हूँ उनका ये कहना है कि भैया पहले तो बहुत गंदा सोच था लेकिन आपका वीडियो देखें मतलब नॉट ओनली माइंड हमारे टीम का वीडियो देखें तो उनका कहना था कि भैया आऊँगा ज़रूर और घूमूंगा ज़रूर बिहार तो बस वही मेरे लिए एक चेंज है अब वो आएंगे बस और क्या चाहिए उनके लिए ऐसे लोगों के लिए जो और भी लोग जो आपसे कांटेक्ट में नहीं है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक ही बात बोलूँगा कि यहाँ से नहीं यहाँ से देखो बिहार तो इंटरनेट जो और लोगों का जो कहा सुना है वो यहाँ से बिहार देख लेते हैं तो पॉसिबल है यहाँ से बिहार देखना नहीं है तो आओ भाई आँख से देखो और मैं ओपनली कहता हूँ मैं बहुत लोगों की मदद भी करता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे अपने एकदम ओपनली मेरा नंबर डाला हुआ है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे लोग कॉल भी करते हैं रैंडमली मुझे याद है एक दिन मांझर कुंड एक लड़का फंसा हुआ था कि भैया रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि भैया मैं मांझर कुंड पर हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँ लड़कों को मैंने उसे बताया और मुझे अच्छा लगा कि जो मेरा विजन और मोटो था कि भाई इसीलिए मैंने नंबर डाला है और लोग उसे लेके कांटेक्ट करते हैं तो आप अगर कहीं भी जाते हैं घूमते फिरते हैं कोई भी इशू आता है पब्लिक डोमेन में नंबर है कॉल कर लीजिए हम ऑल टाइम रेडी हैं हेल्प के लिए और एक क्वेश्चन हम ये भी आपसे करना चाहेंगे आपके इंस्पिरेशन कौन है आ, मैं उस तरीके की चीज़ कभी लाइफ में नहीं देखा लेकिन हाँ लोग अगर पूछता तो मेरे पिताजी हैं क्योंकि जिस जगह से वो उठे हैं मेरा गाँव गाँव एक समय मतलब बहुत बुरे टाइम से गुजरा था एवरी वन नोज वॉट दैट टाइम इज तो पापा एक्चुअली चाहते तो उन चीज़ों में घुल मिल के बर्बाद हो जाते हैं और हमें गाँव में ही रहने को छोड़ देते हैं लेकिन पापा ने फाइट बैक किया ही टूक अ वेरी स्मॉल जॉब इन पटना एक पोस्टमैन का जॉब लिया था वो भी परमानेंट नहीं था उस समय में आ, मैं मैं सबसे छोटा हूँ घर में आ, मेरे से बड़ी मेरी बहन और मेरे भैया हैं तीन बच्चों को लेके एक इसी साइज के रूम में ले आना पटना में सस्टेन करना और अपने बच्चों को हर लेवल पे पढ़ाना लिखाना ऐसा भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया कि पैसे नहीं है तो बच्चे को किसी नॉर्मल कॉलेज में सरकारी कॉलेज में भेज दो जहाँ दस पाँच हज़ार रुपये लगते हैं पा हर तरीके मेरे पापा हर तरीके से फीडबैक किए और हमको बेस्ट जो भी पॉसिबल था मैं अगर मेरे से कोई पूछेगा कि आपका बचपन कैसा था तो हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत स्ट्रगल था क्योंकि मेरे पापा अपने हिसाब से जो भी पॉसिबल था अगर मुझे कंप्यूटर चाहिए था तो कंप्यूटर भी दिए भले उसके लिए वो अपना जो भी सैक्रीफाइस किए मान लीजिए कभी मन होगा कि आज कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा खरीद ले या, कुछ ले है घर में तो नहीं उस जगह पापा ने कंप्यूटर दिया पापा ने अच्छे स्कूल में पढ़ाया तो बहुत चीज़ किया तो छोटे जगह से कहते हैं ना कहते हैं लोग बढ़ नहीं पाते हैं ऑल दैट स्टफ वो बेवकूफ़ी है ये कह सकते हैं कि आपके लिए आपके पापा ने बहुत स्ट्रगल किया मेरे पापा ने हमारे पूरी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया अब मेरे पापा को मैं देखता हूँ की जाते हैं मॉल में या फिर किसी शॉप में और कपड़े अपने लिए कपड़े लेते हैं तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि मुझे याद है वो भी दिन पापा साल में एक कपड़ा भी मुश्किल से लेते थे मान ली होली दिवाली का टाइम आ रहा है हम लोग यहाँ कॉमन होता है ना कि सबके लिए कपड़े लेने हैं तो सबके लिए कपड़े आ गए पापा का कहाँ है कुछ नहीं पता तो वो मैंने देखा है वो फेस पापा के लिए कि पापा लिटरली बहुत सेक्रीफाइस किए लाइफ में तो मुझे लगता है ये एक ये भी रीजन है कि मुझे बिहार में काम करना था कि मैं लोग को कहता हूँ ये कि लोग एक बिहारी पैदा बिहार में वजह से होता है कि बड़ा हो सके हो होके वो बिहार से बाहर जा सके तो मैंने देखा है कि कईयों के पेरेंट्स बालकनी में दिन भर बैठे रहते हैं शाम होती है सो जाते हैं लगता है यार ये चीज़ तो के लिए माँ बाप नहीं बड़ा करता है मुझे लगता है कि अगर आपके माँ बाप ने आपके लिए कुछ किया है तो कुछ तो करिए जिसकी वजह से आप उनके साथ रह सकें तो एक ये बहुत बड़ा रीजन था कि मुझे बिहार में काम करना था अभी तक आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं जितने भी जगह को एक्सप्लोर किया है उसमें अगर हम पूछे आपका तो पसंदीदा प्रोजेक्ट कौन सा रहा <laughs> मेरा सब प्रोजेक्ट पसंदीदा है ऑनेस्टली बोलता हूँ मुझे सब कुछ हर प्रोजेक्ट में मुझे नया सीखने को मिलता है मैं रिसेंटली अभी झारखंड में था सारंडा फॉरेस्ट डिविजन वेस्ट सिंहभूम में तो वो वन ऑफ द मोस्ट मतलब कहा जाता है लोगों के अकॉर्डिंग के डेंजरस इलाके में से एक है जिनके साथ मैं गया था उन्होंने कहा था कि तुमसे पहले कई लोगों से मैंने कॉन्टेक्ट किया सब मना कर दिए जगह का नाम सुन के मैं गया मैं एंजॉय किया मैं डेंस फॉरेस्ट में से मतलब एशिया का सबसे लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट है वो मैं वहाँ गया इंटीरियर्स ऑफ द जंगल में गया घूमा फिरा मैं आपके सामने जिंदा बता रहा हूँ सब कुछ कहानी तो मुझे लगा कि यार ये एक और मिथ ब्रेक हुआ ऐसा नहीं है कि नहीं है प्रॉब्लम वहाँ पे भी है लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था कि बातें सुनना कि लोगों का कि अरे ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है घुमा फिरा और वापस आया तो लाया कि वाह लाइक like प्रॉब्लम को ट कर देना या 100 करना कर देना ये बोलो आप तो मेरे लिए सब प्रोजेक्ट मेरे लिए फेवरेट है क्योंकि मैं प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने में बहुत सेलेक्टिव हूँ uh, मुझे आप हमेशा नहीं देखोगे कि मैं किसी भी काम में बिजी हूँ मैं सेलेक्टिव हूँ मुझे जो लगता है कि ये करने लायक है विच बेनिफिट्स मी इन इधर वे इधर इन मनी इधर इन समथिंग विच आई लर्न तो मैं वो करता हूँ ये इन जगहों के अलावा आपके जो वीडियोस होते हैं लाइक छठ पे आपका वीडियो हमने देखा था वो आप एक तरह से ऐसा भी लगता है कि बिहार की जो परंपरा है उससे भी लोगों को अवगत कराना चाहते हैं सब कुछ से कराना है मुझे हर उस एसेंस से बिहार को दिखा बिहार का दिखाना है जो लोगों ने नहीं देखा मैं अभी रिसेंटली खादी के ऊपर प्रोजेक्ट किया आने में टाइम है क्योंकि जब तक रिसर्च नहीं तब तक कुछ नहीं मैं 2019 में पहली बार गुरुपा गया था और 2021 में वीडियो लाया हूँ दो साल का कैप क्योंकि दो हज़ार उन्नीस में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था मैंने पढ़ा दोबारा विजिट किया दोबारा शूट किया तब लोगों के सामने लाया हूँ तीन साल से रोहतासगढ़ का वीडियो बना रहा हूँ आज तक नहीं लाया कि मुझे लगता है कि ये चीज़ छूट गया जो तो अगली बार कर लूँगा तो वही बात है मुझे लगता है कि बिहार में नॉट ओनली टूरिज़म प्लेसेज एंड ऑल दैट स्टाफ बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे क्लस्टर के मामले में खादी है सिल्क है आ, फिर आपका सुजनी है बहुत सारी चीजें हैं तो मैं सब पे काम करूंगा धीरे धीरे तो एक प्लेस को ये उसके बारे में जानने में जानने स्टडी करने में फिर उसकी वीडियो बनाने में आपको तकरीबन कितना समय लग जाता है है अनडिसाइडेड कोई डिसाइडेड नहीं है मैंने बोला ना कि मैं ऑल सीजन शूट कर चुका हूँ रोहतासगढ़ को ऑल सीजन मतलब जितने भी मौसम है सब शूट कर लिया हूँ लेकिन आज भी मुझे लगता है कि कमी है तो आएगा आई गेस मोस्ट प्रोबली रोहतासगढ़ का तो अब आ जाएगा क्योंकि फाइनली कुछ जो लूप होल्स फंस रही थी वो क्लियर है तो माइट भी एक महीना भी लगे पांच दिन भी लगे और एक साल भी लगे ऐसा हो सकता है सोशल मीडिया पे आपके आपके काफ़ी फॉलोअर्स हैं हैं जो आपके काम को पसंद करते हैं। उनके लिए एक छोटा सा मैसेज मेरी फैमिली है वो फॉलोअर्स मैं नहीं बोलता है क्योंकि मैंने उनसे सपोर्ट मांगा है और सपोर्ट मांग के उनसे अपने आप को बढ़ाया तो मैं वो फैन शब्द तो यूज कभी नहीं करता माफ करना मेरे लिए मेरी फैमिली है वो और वो खुश हैं तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे वो इस वजह से ही पसंद करते हैं क्योंकि मैं बिहार दिखाता हूँ आप अपनी आईडी भी एक बार बता दें ताकि जो लोग आपको इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो वो आप तक पहुँच सकेट कॉलमी कौशिक फेसबुक इंस्टाग्राम फिर वो कौन सा होता है ट्विटर सारी जगह यही है तो आप ढूंढ सकते हैं हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और आप जैसा काम कर रहे हैं आप ऐसा ही काम करते रहें और बिहार को और अच्छे से प्रेजेंट करते रहें ये हमारी शुभकामनाएं है बहुत बहुत थैंक यू बहुत शॉर्ट नोटिस पे मतलब सॉरी बहुत क्या बोलूंगा उसको साफ शब्दों में मुझे लगा था कि मैं कल मिल नहीं पाऊंगा वीडियो अगर आ, मतलब जब शूट है उसके बारे में बता दूं तो मुझे लगा कि नहीं ऐसा होता है कई बार कि मैं बोलता हूँ मैं मिल नहीं पाता हूँ तो मुझे लगा कि आज मिल लेना चाहिए थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग थैंक यू सो मच फॉर कमिंग तो ये थे आशीष कौशिक आपने जाना इनके सफर के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें देखते रहे द दे फुल वॉल्यूम धन्यवाद